दलित लड़की की बारात रोकने के मामले को हमने दिखाया, प्रमुखता से दिखाया, इसका जबरदस्त असर दिखा है। पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया है। फरीदाबाद से ये बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है जहां ये वाकया हुआ था। राजा पटेल हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। राजा, खबर का असर दिखा है? जी बिल्कुल, वाकई में अनामिका, जिस तरीके से जो वीडियो सामने आया था, उसके बाद हरियाणा न्यूज की टीम भी गांव में पहुंचकर और परिजनों से उन्होंने बात की थी, और जिस तरीके से थाने में पूरा बवाल हुआ था और उसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस ने संज्ञान लिया है, गांव में गई है और लगातार छानबीन जारी है कि आखिरकार वो कौन से आरोपी है जिन्होंने दलित समाज की बारात को रोका। लगातार पुलिस विभाग की टीम की तरफ से बड़े अधिकारी भी गाँव में मौजूद और छानबीन जारी है। पुलिस यही कह रही है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। जी बिल्कुल। और जिन्होंने बारात रोकी थी, क्या वो सामने आकर कुछ बोल रहे हैं? तब तो क्षत्रिय क्षत्रिय करके बात कर रहे थे, अब सामने आकर बोल रहे हैं, गलती मान रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि पूरे गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। मैं आपको बताऊं कि जिस जब से ये वीडियो कहीं ना कहीं सामने आया है, इसको लेकर पूरे गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। और जो बात करें जिन जिन लोगों ने कहीं ना कहीं जो बारात रोकी थी, वो फिलहाल गांव से फरार बताए जा रहे हैं, पर पुलिस लगातार गांव के लोगों से पूछताछ कर रही है कि आखिरकार ये वाकई में उसी गांव के लोग थे या फिर कहीं बाहर से उनकी कोई शरारत थी, ये जांच का विषय है। पर पुलिस जरूर आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कर रही है और इसी के चलते आज पुलिस विभाग की टीम गाँव में पहुंची और लगातार छानबीन जारी है, लोगों से पूछताछ जारी है। जी ये जो खबर आ रही है अब यहाँ पर राजा, कि वो लोग गांव के थे या कहीं बाहर से थे, एक गांव में बारात आ रही है, पूरे गांव के इज्जत का सवाल होता है कि कैसे शानो शौकत के साथ, सम्मान के साथ उस बारात का स्वागत किया जाए। अगर बाहर से कोई लोग आकर बारात को रोक रहे होते तो गांव वाले सो रहे थे? जी बिल्कुल अनामिका, ये एक क्वेश्चन है, ये तो प्रश्न चिन्ह है। लीपापोती करने की कोशिश नहीं की जा रही है क्या, ताकि जिन्होंने बारात को रोका उन पर कोई एक्शन ही ना हो? जी बिल्कुल, वाकई में 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। जिस तरीके से गृह मंत्री अनिल विज का भी बयान आ चुका है कि ऐसे मामले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, पर गृह मंत्री अनिल विज के बयान के बाद ही पुलिस हरकत में आई। हालांकि कल एफआईआर जरूर दर्ज हो गई थी, जिस तरीके से हंगामा पीड़ित परिवार की तरफ से थाना वो पानी में किया गया था, उसके बाद एफआईआर दर्ज हो गई थी। पर लीपापोती आप सही कह रहे हैं कि इसमें मामले में नजर आ रही है पुलिस का भी ढीला रवैया, पर जिस तरीके से हरियाणा न्यूज लगातार इस खबर को दिखा रहा है, पुलिस जागी है और अभी गांव में पहुंची है। पुलिस यही बात कह रही है कि हम जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करें, चाहे कोई भी है। ऐसी जो हरकत इन्होंने की है वो बर्दाश्त पुलिस विभाग की टीम या फिर कोई भी अधिकारी नहीं करेगा। जी बहुत शुक्रिया राजा, इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।